इसराइल ने गाजा को दो हिस्सों में बांट दिया है। आईडीएफ ने उत्तरी गाजा को दक्षिणी गाजा से किया अलग। नेट जारिम जंक्शन पर आईडीएफ मौजूद है। दक्षिणी गाजा से अलग हुआ उत्तरी गाजा और आईडीएफ ने यह बड़ी कार्रवाई की है। नेट जारिम जंक्शन पर इस वक्त आईडीएफ मौजूद है जो दो हिस्सों में बांटा गया इस इलाके को। आपको हम बताते हैं कैसे गाजा पट्टी इस समय दो हिस्सों में बट गई है क्योंकि इसराइल की सेना गाजा पट्टी के अंदर मौजूद है। स्काई न्यूज की तरफ से क्या दावा किया गया जानिए। आईडीएफ के बख्तरबंद वाहन सलाह अल दीन हाईवे पर चल रहे हैं। उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाले इस हाईवे पर निजारिम इलाका है। यह भी बता दें कि निजारिम जंक्शन एक सड़क जंक्शन है जो पूर्व इसराइली बस्ती के बहुत करीब है। हालांकि यहां पर इसराइल की सेना भी मौजूद है और ऐसे में उत्तर गाजा के लोग दक्षिण की तरफ जा ही नहीं सकते। मतलब साफ हो गया है कि आईडीएफ ने इसराइल को दो हिस्सों में बांट दिया है। घोषकर यह भी तो एक स्ट्रैटेजिकल मूव हुआ ना, जहां हमने देखा जो बात मैंने शुरुआत में जिक्र करी कि आपने पहले पूरे इलाके पर कब्जा करने के तहत उसे मिलिट्री जोन घोषित कर दिया, दूसरे चरण में आपने इलाके खाली करने को कहा और वो इलाके खाली करने के आदेश इसीलिए जा रहे थे क्योंकि कब्जे के तहत वो आगे बढ़ रहे थे। अब ये हाईवे बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल जगह हो जाती है जहां लोगों के पास किसी भी गतिविधि का कोई जरिया ही नहीं बचता। जी हाँ, ये स्ट्रेटेजिक सर्कल्स में ये कई दिनों से ये डिस्कशन चल रहा है कि शायद इसराइल गाजा पट्टी को दो भागों में डिवाइड कर देगा, नॉर्थ और साउथ गाजा। और मेरे ख्याल में ये जो ये एक के बाद एक फेजेस आ रहे हैं, ये तो दूसरा फेज है वैसे, वो उसी की ओर जा रहे हैं। अच्छा, क्यों ये नॉर्थ गोवा, नॉर्थ गाजा और साउथ गोवा को विभाजन करना चाहते हैं? पहली बात ये, आपने तो देखा, हाँ उन्होंने बमबारी की नॉर्थ गोवा में, ड्रोन्स दिए, फिर ये तो कार्रवाई, लेकिन इसका मकसद क्या है? मकसद एक है कि नॉर्थ गाजा में डेंसिटी थोड़ा ज़्यादा है और अर्बनाइजेशन थोड़ा ज़्यादा है और यहाँ पर हमास के जो ज़्यादातर कमांड एंड कंट्रोल है वो नॉर्थ गाजा की ओर ही है। मैं ये नहीं कहता कि साउथ गाजा में नहीं है, लेकिन नॉर्थ गाजा में ज़्यादा है। और आप बार बार कह रहे हैं ना कि अस्पताल में बमबारी हुई, अस्पताल में बमबारी हुई, मॉस्क में बमबारी हुई, ये क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए कि हमास के ज़्यादातर जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स हैं, जो सुरंग हैं, वो मॉस्क के नीचे और अस्पताल के नीचे ज़्यादा हैं। इसमें क्या होता है कि अगर आईडीएफ उसमें बमबारी करता है, सिविलियन लोग मारे जाते हैं, तो एक प्रोपोगंडा होता है, देखिए ये सिविलियंस को, बेचारे सिविलियंस को मार रहे हैं, बच्चों को मार रहे हैं, औरतों को मार रहे हैं, तो इसमें एक जो पब्लिक परसेप्शन है वो चेंज हो जाता है। सर, एक बड़ी खबर और आ रही है, इसराइल पर हमास का पलटवार हुआ है और ये पलटवार रुक नहीं रहा है। युद्ध का 25वां दिन है लेकिन ये पलटवार और ज्यादा आक्रामक हो रहा है। इसराइल के कई शहरों में एक साथ रॉकेट दागे गए हैं। इसराइल के लोद में गिरा हमास का रॉकेट। और इजरायली सेना की सबसे बड़ी कार्रवाई जहां हिजबुल्ला के सैन्य ठिकानों पर भी हमला हुआ है। इस बीच आईडीएफ ने हमले का ये वीडियो जारी किया जहां देखिए कैसे हिजबुल्ला को भारी नुकसान पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि गाजा में कई हिजबुल्ला ठिकानों को आईडीएफ तबाह करने का पहले से भी दावा करता आया है और यही वजह है कि समय समय पर इस तरीके की तस्वीरें जारी कर नुकसान को लेकर आईडीएफ की तरफ से दावे किए जा रहे हैं। क्योंकि कुछ समय पहले आईडीएफ बलों ने इसराइल राज्य के क्षेत्र की ओर लॉन्च किए जवाब में लेबनानी क्षेत्र में आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला के सैन्य बुनियादी ढांचे पर हमलों को अंजाम दिया था और जिन बुनियादी ढांचों पर हमला किया गया उनमें आतंकवादी संगठन हिजबुल्ला के कई सैन्य ठिकाने शामिल रहे। और एक और बहुत बड़ी खबर आपको बता दें, जंग के बीच हमास का बड़ा दावा सामने आ गया है। 24 घंटे में आईडीएफ के 3 मकवा टैंक तबाह कर दिए गए। हमास का आरपीजी यासीन से हमला, 3 मकवा समेत 6 सैन्य वाहन नष्ट किए गए। और इसराइल पर हमास के पलटवार को लेकर भी खबर आई जहां तेल अवीव में रॉकेट दागे गए हैं। आईडीएफ के हमले नाकाम करने का दावा किया जा रहा है और तेल अवीव में सायरन की यह गूंज सुनी।
और एक और बड़ी खबर, आईडीएफ की स्ट्राइक से भीषण तबाही मची है उत्तरी गाजा में। कई बिल्डिंग्स गिर गई, सीआरसीएस का गोदाम तहस नहस हो गया है। मृतकों घायलों की संख्या भी बढ़ गई है। देखिए किस तरह तबाह बर्बाद गाजा नजर आ रहा है। हर तरफ तबाही का मंजर है, मलबा ही मलबा बिखरा हुआ है। जो सीआरसीएस का गोदाम रहा वो भी पूरी तरह से तहस नहस हो गया है। अब आशंका है कि मृतकों की संख्या और ज्यादा बढ़ गई है।